दोस्तों, इस दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते और उन्हें लोगों का भ्रम बताते हैं। लेकिन जब जब भगवान पर सवाल उठे हैं, तब तक भगवान ने किसी ना किसी रूप में आकर चमत्कार के जरिए अपने होने का सबूत दिया है। आज हम आपके लिए ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद भगवान के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। एक ऐसी सत्य घटना जिसमें स्वयं गणेश जी महाराज 7 दिन तक एक बालक के साथ रहे थे। ये बात आज से कुछ सालों पहले की है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मिथिलेश नाम का मूर्तिकार रहता था। मिथिलेश भगवान की मूर्तियां बनाकर उन्हें बाजार में बेचा करता था, उसी से उसका घर चलता था। मिथिलेश की पत्नी का कुछ सालों पहले देहांत हो गया था। मिथिलेश का एक 8 साल का बेटा था जिसका नाम गना था। मिथिलेश भगवान गणेश का भक्त था, इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम गणेश जी के नाम पर गना रखा था। मिथिलेश हर सुबह भगवान गणेश की पूजा किया करता था और साथ ही गना भी अपने पिता के साथ पूजा में बैठा करता था। एक दिन की बात है, मिथिलेश को दिल्ली से एक काम के लिए बुलावा आया। काम काफी बड़ा था, उस काम से मिथिलेश को काफी फायदा होता, लेकिन परेशानी यह थी कि मिथिलेश को तुरंत ही घर से दिल्ली के लिए निकलना था और 7 दिन तक दिल्ली में ही रहना था। उस समय गना स्कूल गया हुआ था। मिथिलेश काफी सोच में पड़ गया क्योंकि अगर वो दिल्ली के लिए निकल जाता तो गना का ध्यान कौन रखता। मिथिलेश काफी सोच विचार में पड़ गया था कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि वह उस काम के लिए मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि मिथिलेश की आर्थिक स्थिति अभी थोड़ी खराब थी, उस काम से उसको काफी फायदा होने वाला था। काफी सोच विचार के बाद उसने दिल्ली जाने का मन बना लिया और कुछ दिनों के लिए गना को अपने बड़े भाई श्याम प्रसाद के पास छोड़ने का फैसला किया। थोड़ी ही देर में उसकी दिल्ली की ट्रेन थी। मिथिलेश अपने बड़े भाई श्याम प्रसाद के घर जाता है। उस समय श्याम प्रसाद घर पर नहीं था, उसकी जगह मिथिलेश की भाभी अंजू होती है। अंजू स्वभाव की अच्छी महिला नहीं थी, वो बहुत ही कंजूस और निर्दयी महिला थी। मिथिलेश अंजू से गना को कुछ दिन संभालने के लिए कहता है और भैया को बता देने को कहता है, लेकिन अंजू ऐसा नहीं करती, वो श्याम प्रसाद को कुछ नहीं बताती। उधर मिथिलेश ये सोचकर बेफिक्र दिल्ली के लिए निकल जाता है कि गना की देखरेख उसके भैया और भाभी कर लेंगे। कुछ समय बाद गना स्कूल से घर आता है। वो देखता है कि उसके पिताजी घर पर नहीं है। दोपहर का समय था, गना को बड़ी जोरों की भूख लगी थी। गना घर में इधर उधर खाने को कुछ ढूंढता है, लेकिन खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था क्योंकि मिथिलेश ने तो यह सोचा था कि उसके भैया गना को स्कूल से लेकर आ जाएंगे और उसे खाना खिला देंगे, पर अंजू ने श्याम प्रसाद को गना के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। दोपहर से शाम हो जाती है। गना नहीं जानता था कि उसके पिता 7 दिन के लिए दिल्ली गए हैं। वो चुपचाप घर में बैठा अपने पिता का इंतजार कर रहा होता है। उसके पिता अभी तक घर नहीं आए। अब वो सोच में पड़ जाता है। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है, लेकिन घर में खाने का एक भी दाना नहीं था, ना ही गना को खाना बनाना आता था। वो बेचारा भगवान गणेश की मूर्ति के आगे बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगता है। भूखे पेट आंखों में आंसू लिए वो भगवान गणेश से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता है कि भगवान उसके पिता को बस जल्द से जल्द घर भेज दें। भगवान गणेश से अपने नन्हे भक्त के आंसू नहीं देखे गए और वो मिथिलेश का रूप धारण करके गना के पास आ गए। गना अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो इस बात से अनजान होता है कि वो मिथिलेश नहीं बल्कि मिथिलेश के रूप में भगवान गणेश जी हैं। इसके बाद गणेश जी मिथिलेश के रूप में गना के साथ रहने लगे और वो रोज गना को अपने हाथ से नहलाते, खाना बनाते, खाना खिलाते भी, उसको स्कूल भी छोड़ने जाते और स्कूल से लेकर भी आते। जैसे एक पिता अपने पुत्र का ख्याल रखता है, वैसे ही गणेश जी भी गणा का ध्यान रखते। जो भी देखता उसे यही लगता कि वो मिथिलेश ही है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक हफ्ता पूरा हो गया, मिथिलेश दिल्ली से वापस अपने गांव लौट आया। गांव में आकर वो देखता है कि एक बगीचे में गना कुछ लड़कों के साथ खेल रहा था। अपने बेटे को इतने दिनों बाद देखकर मिथिलेश बहुत खुश होता है और जाकर गना को अपने सीने से लगा लेता है। गना को कुछ समझ नहीं आता कि उसके पिता उससे इस तरह क्यों मिल रहे हैं। गना बोलता है,
पिताजी क्या हुआ? आप तो घर पे काम कर रहे थे, यहां क्या कर रहे हैं? गना का यह प्रश्न सुन मिथिलेश सोच में पड़ जाता है और बोलता है, क्या बोल रहे हो बेटा? मैं तो 7 दिन बाद दिल्ली से आया हूं, तूने घर पे किसे देख लिया? यह सुन गना बताता है कि वो 1 हफ्ते से मिथिलेश के साथ ही था। मिथिलेश को कुछ समझ नहीं आता, वो इसके बारे में पूछने के लिए अपने बड़े भाई के घर जाता है और उनसे गना के बारे में पूछता है। श्याम प्रसाद ये बोलकर इनकार कर देता है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं था और गना 1 हफ्ते से उनके साथ नहीं बल्कि मिथिलेश के साथ ही था। श्याम प्रसाद बताता है कि इस हफ्ते के दौरान उसने तो कई बार मिथिलेश को गना के साथ आते जाते देखा था। ये सारी बात सोचकर मिथिलेश सोच में पड़ जाता है कि कौन पिछले 1 हफ्ते से उसके भेष में उसके घर पर गना के साथ था। उसको गना की ये बात याद आती है, वो भागता हुआ अपने घर जाता है और देखता है कि घर पर चूल्हे पर खाना रखा हुआ है और घर में कोई नहीं था, मानो कुछ देर पहले यहां कोई काम कर रहा हो और उसके आते ही वह वहां से गायब हो गया हो। थोड़ा सोचने के बाद मिथिलेश समझ जाता है कि मिथिलेश के भेष में और कोई नहीं, स्वयं भगवान गणेश जी थे जो उसकी गैर मौजूदगी में उसके बेटे की देखरेख कर रहे थे। मिथिलेश की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो जाकर गणेश जी के चरणों में गिर पड़ता है। तो यह थी दोस्तों एक सच्चे और मासूम भक्त की कहानी, जिसमें एक बालक की मदद करने के लिए स्वयं भगवान गणेश जी को धरती पर उतरना पड़ा था। तभी कहते हैं, यदि आपकी पुकार सच्ची हो तो भगवान को भी धरती पर आना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।